नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अपन राजस्थान की कृषि के ऊपर चर्चा कर रहे थे और अपन कृषि में फसलों के प्रकार जान लिया था। फसलें तीन प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। और आज अपन खरीफ की फसल के बारे में जानेंगे। खरीफ की फसल की बिजाई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है और कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कृषि ये हमारा टॉपिक चल रहा था, फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार। कृषि में अपन फसलों के प्रकार जान लिए। फसलें तीन प्रकार की बोई जाती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। पहले अपन खरीफ की फसल के बारे में जानेंगे। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल या सियालों की फसल, सियालों की फसल, सियालों की फसल, खरीफ की फसल या सियालों की फसल। खरीफ की फसल की बिजाई जून और जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। बिजाई जून जुलाई में, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। कटाई, कटाई अक्टूबर नवंबर, खरीफ की फसल की कटाई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द। ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, कपास, गन्ना, तिलहन, कपास, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, कपास, तिलहन, चावल, मूंगफली, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, उड़द, कपास, गन्ना, तिलहन, चावल और मूंगफली, ये खरीफ की प्रमुख फसलें। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ की फसल की प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, कपास, गन्ना, तिलहन, चावल और मूंगफली। यहाँ तक देखो, नेक्स्ट अपन रबी की फसल देखेंगे, जिसे अपन मुनेलू की फसल भी कहते हैं। रबी की फसल, रबी की फसल जिसे हम उन्यालू की फसल भी कहते हैं, उन्यालू की, उन्यालू की फसल। बिजाई अक्टूबर नवंबर, बिजाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई, रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल में इसकी कटाई करी जाती है, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। रबी की फसल की बिजाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल की प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना,
सरसों, तारामीरा, मसूर। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, मसूर और राई। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, मसूर और राई, ये प्रमुख रबी की फसलें हैं। रबी फसल को उन्यालू फसल भी कहते हैं। इसकी बिजाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में रबी की फसल को काट लिया जाता है। रबी की फसल में प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जो चना, सरसों, तारामीरा, मसूर, राई। यहाँ तक देखो, नेक्स्ट अपन जायद की फसल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जायद की फसल। जायद की फसल, जायद की फसल को चौमासा की फसल भी कहते हैं। चौमासा की फसल, जायद की फसल को चौमासा की फसल भी कहा जाता है। जायद की फसल को चौमासा की फसल भी कहा जाता है। इसे मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। बीजा मार्च अप्रैल में और कटाई जून जुलाई। जायद की फसल में अधिकतर सब्जियां लगाई जाती है, जैसे तरबूज। अब नेक्स्ट अपन राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को 10 भागों में बांटा गया है। उन 10 भागों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक देखो, नेक्स्ट राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को 10 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी सिंचित क्षेत्र। उत्तरी सिंचित क्षेत्र के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। नेक्स्ट है पश्चिमी शुष्क मैदान। दूसरा है पश्चिमी शुष्क मैदान। पश्चिमी शुष्क मैदान में जैसलमेर और बाड़मेर आता है। आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र। अगला है आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर आते हैं। ये जिले आते हैं। अगला है लूणी बेसिन मैदान के अंतर्गत जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली आता है। सिरोही
जालौर। लूणी बेसिन मैदान में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर जिले आते हैं। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर आते हैं। जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर और अजमेर। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर और अजमेर जिले आते हैं। यहां तक देखो, नेक्स्ट इनको एक बार और देख लेते हैं। उत्तरी सिंचित क्षेत्र के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला आता है। पश्चिमी शुष्क मैदान में जैसलमेर और बाड़मेर आता है। आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र में चोरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले आते हैं। लूणी बेसिन मैदान में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर आता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर और अजमेर आते हैं। यहाँ तक देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रहते हैं। चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। शुष्क आंशिक क्षेत्र के अंदर चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ संभावे पूर्वी मैदान। बाढ़ संभावे पूर्वी मैदान के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। बाढ़ संभावित पूरे मैदान के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। नेक्स्ट है उप आद्र दक्षिणी भूमि। नेक्स्ट है उप आद्र दक्षिणी भूमि। उप आद्र दक्षिणी भूमि के अंतर्गत आते हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उप आद्र दक्षिण भूमि के अंतर्गत भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। नेक्स्ट है आद्र दक्षिण पूर्वी मैदान के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं।
कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले आते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी आर्द्र भूमि, नेक्स्ट है दक्षिणी आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। दक्षिणी आर्द्र भूमि के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। दक्षिणी आर्द्र भूमि के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। दक्षिणी आर्द्री मैदान सबसे छोटा है, दक्षिणी आर्द्र भूमि मैदान सबसे छोटा है, सबसे छोटा भाग है। और अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भाग है। एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले आते हैं। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। उपआद्र दक्षिण भूमि में भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। आद्र दक्षिण भूमि मैदान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। आद्र दक्षिण भूमि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन राजस्थान में प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में जानेंगे। मिलते हैं कल, धन्यवाद।